नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पत्रकार वीजा मामले पर बौखलाई चीनी मीडिया, कहा ये एनएसजी का बदला है तो भारत को भुगतने होंगे परिणाम। 3 चीनी पत्रकारों को भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से किया था इनकार। वीडियो मामले में भगवंत मान के सांसद आने पर 3 अगस्त तक रोक, 9 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने जताई चिंता। शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, सांसद संजय राउत ने कहा कश्मीर में सुरक्षित नहीं है हिंदू, देश में छाया है धुआं। अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने की है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। जेल जाने से बचे सलमान खान, काला हिरन और चिंकारा शिकार मामले में हाईकोर्ट से बरी। बिश्नोई समाज सुप्रीम कोर्ट में फैसले को देगा चुनौती। और मोदी सरकार की काला धन विरोधी अभियान की जद में आए शाहरुख खान, इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस, विदेशी संपत्तियों का मांगा ब्यौरा। भारत की ओर से चीन के 3 पत्रकारों के वीजा की अवधि बढ़ाने से इनकार किए जाने पर चीन के एक सरकारी अखबार ने हिंदुस्तान को चेतावनी दी है। दैनिक अखबार ने लिखा है कि यदि ये कदम एनएसजी में भारत की सदस्यता हासिल करने की कोशिश में चीन द्वारा उसका साथ ना दिए जाने की प्रतिक्रिया है तो इस बात के गंभीर परिणाम होंगे। द ग्लोबल टाइम्स के संपादकीय में कहा गया है ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि चीन ने एनएसजी में भारत के शामिल होने का विरोध किया इसलिए भारत अब बदला ले रहा है। यदि नई दिल्ली वाकई एनएसजी सदस्यता के मुद्दे के चलते बदला ले रही है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिंहुआ के 3 चीनी पत्रकारों की भारत में रहने की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के संसद वीडियो पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने गहरी चिंता जताई है। सोमवार को स्पीकर ने एक्शन लेते हुए मान के 3 अगस्त तक संसद आने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही एक 9 सदस्यीय कमेटी के गठन का फैसला किया गया जो मामले की जाँच करेगी। लोकसभा स्पीकर ने इसके साथ ही भगवंत मान को 26 जुलाई तक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने को कहा है। कमेटी 3 अगस्त से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ये रिपोर्ट बाद में सदन के पटल पर रखी जाएगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती मान को संसद से दूर रहने के लिए कहा गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार की निंदा से जुड़े पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि वाकई देश में धुआं छाया हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा इस सरकार ने कुछ नहीं किया, लोगों को सरकार से उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर में हिंदू सुरक्षित नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो हालात है वे ठीक नहीं है। हम सत्ता की नहीं देश की बात करते हैं इसलिए ये सब सवाल उठा रहे हैं। चाहे सरकार अटल जी की रही हो तब भी बाला साहब ठाकरे सवाल करते थे, अब बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है, हम लोग देश के लिए सवाल उठाते रहेंगे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के मुख्य पात्र सामना में कहा कि बीजेपी हिंदुओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि देश की तस्वीर साफ नहीं है और ऐसा लग रहा है जैसे फॉग चल रहा है। जोधपुर में चिंकारा शिकार मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के लिए सोमवार का दिन बेहद खास साबित हुआ। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सलमान खान को चिंकारा मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया। सेशन कोर्ट से अभिनेता को 5 साल कैद की सजा मिली थी। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही सलमान को बरी करने का फैसला सुनाया गया। मामले में 12 आरोपी थे जिनमें से 11 को बरी किया जा चुका है। इसका लाभ सलमान को मिला। सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री उनके वकील के साथ जोधपुर हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट के फैसले को बिश्नोई समाज आगे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। मोदी सरकार के काला धन विरोधी अभियान की जद में शाहरुख खान भी आ गए हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भेजकर विदेशों में उनके निवेश के बारे में जानकारी मांगी गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजकर शाहरुख खान से बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और दुबई जैसे देशों में निवेश का ब्यौरा मांगा गया है। सिंगापुर के जरिए इसी तरह के निवेश करने वाले कुछ दूसरे कारोबारियों को भी ऐसे ही नोटिस भेजे गए हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो सका है कि डिपार्टमेंट के पास शाहरुख की विदेशी संपत्तियों के बारे में मिली जानकारियों में रकम काला धन के तहत आती है या नहीं। जानकारी के मुताबिक ये नोटिस इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 131 के तहत भेजा गया है। ये एक्ट टैक्स अधिकारियों को जांच का अधिकार देता है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ
का अपमान करने के मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव को आज पंजाब पुलिस संगरूर कोर्ट में पेश करेगी। गिरफ्तारी के बाद कल पहले उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एम्स ले जाया गया। बाद में रात करीब 12:30 बजे पुलिस उन्हें लेकर संगरूर के लिए रवाना हो गई। विधायक नरेश यादव की कोर्ट में पेशी से पहले मालेर कोटाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप कार्यकर्ता विधायक की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए विरोध कर रहे हैं। नरेश यादव ने कहा कि मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं, लेकिन मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के मुताबिक नरेश यादव के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। आरोपी विजय ने मालेर कोटला मामले में नरेश की भूमिका बताई थी। इनके फोन रिकॉर्ड भी इस बात का सबूत देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत सरकार जम्मू कश्मीर के साथ जरूरत आधारित रिश्ता नहीं बनाना चाहती, बल्कि ऐसा रिश्ता चाहती है जो भावनाओं पर आधारित हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि कश्मीर घाटी में शांति और सामान्य स्थिति बहाल होने दे। राजनाथ सिंह ने कहा है कि सुरक्षा बलों को भीड़ के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल से यथासंभव परहेज करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे गैर घातक हथियारों के उपयोग पर गौर करने के लिए उनके द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। समिति 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। राजनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के हालात से बहुत चिंतित है। गृहमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार आतंकवाद को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कश्मीर को लेकर चल रहे वाक युद्ध के बीच पाकिस्तान ने आज कहा कि कश्मीर के भविष्य को लेकर कोई भी फैसला सिर्फ कश्मीरियों के द्वारा ही किया जाएगा। गौरतलब है कि नई दिल्ली ने एक दिन पहले ही स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा शनिवार को दिए गए बयान कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है और वह कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, कश्मीर के भविष्य पर ऐसा फैसला सिर्फ कश्मीर के लोग सुना सकते हैं, ना कि भारत की विदेश मंत्री। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने हथियार उठाने के लिए कश्मीर में युवाओं को उकसाने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया है। महबूबा ने कहा कि आज जब कोई कश्मीरी बच्चा बंदूक उठाता है तो वो पाकिस्तानी उसे नेता बताते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपना बच्चा बंदूक उठाता है तो वे उस पर ड्रोन से हमला करते हैं और सैन्य अदालतों में उन्हें फांसी देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हमारे बच्चों को बंदूक उठाने के लिए उकसाते हैं और कहते हैं कि अगर आप मुठभेड़ में मारे जाते हैं तो आप हमारे नेता बनेंगे, लेकिन उसे अपनी नीति बदलनी होगी। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी की पाकिस्तानी नेताओं ने तारीफ की है। खबरों के सफर में फिलहाल उतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। ताजातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार। We'll be right back.